हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। सो फ्रेंड्स, एमसीक्यूज ऑन डेली करंट अफेयर्स सीरीज जो आपकी चल रही है 13th मई तक का, अभी तक हमने कवर किया है, ऑलराइट। एंड 14th टू 19th मई 2021 का पार्ट वन ये रहेगा, ऑलराइट। सो ये करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। मेन सोर्स जो रहता है हमारा, जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो है द हिंदू न्यूज़पेपर, PIB, हिंदू बिजनेस लाइन और इंडियन एक्सप्रेस में से हम आपके जनरली MCQs फॉर्म करते हैं, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, अगर आप PPFO का एग्ज़ाम दे रहे हो, UPSC सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, CDS, NDA, स्टेट सर्विसेज, रिसेंटली अभी हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का भी एग्ज़ाम निकला है, ओके। तो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो रहेगा, चलिए। और दोस्तों, जो बच्चे UPSC EPFO की तैयारी कर रहे हैं, जो पेड MCQ कोर्स है उसका एक फ्री सैम्पल टेस्ट अराउंड, हम उसमें 15+ टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं हर सब्जेक्ट के, चाहे वो गैप है, सोशल सिक्योरिटी है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ है। तो एक फ्री सैम्पल टेस्ट जो है वो हमने स्टार्ट किया है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो टू जज की किस तरह का टेस्ट है, फिर उसके बाद आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, ओके। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड अभी 21 मई तक एक सेल भी चल रही है, और उस सेल के लिए आपने कुछ नहीं करना है, एक कूपन कोड यूज़ करना है, SALE50, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा कुछ भी आप परचेज करते हो वेबसाइट के ऊपर, तो आपने एक कूपन कोड यूज़ करना है एंड यू विल गेट द डिस्काउंट, ऑलराइट। चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9041244689 पर, या मेल कर सकते हैं sikshit@gmail.com पर। चलिए पहला क्वेश्चन देखें, आप क्वेश्चन देखना है, समझने की कोशिश करनी है, खुद से रिकॉल करना है कि करंट अफेयर्स में कहाँ पढ़ा था, और फिर इसको आंसर करने के बाद सोल्यूशन देखना है आपने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। सबसे पहले कहता है एज पर द डाटा गिवन बाय NCRB, NCRB आपका क्या होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो NCRB के डाटा के हिसाब से द प्रिजन्स इन इंडिया हैड ऑक्यूपेंसी रेट अबव 100% इन 2019, यानी कि जो प्रिजन्स हैं इंडिया में वो ओवरक्राउडेड हैं, 100% से ज़्यादा का ऑक्यूपेंसी रेट है, यानी कि 10 लोगों की जगह पर 10 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, ओके, जो बसेज में भी होता है इंडिया में। ऑप्शन टू, स्टेटमेंट टू कहता है मोर देन 60% ऑफ द इनमेट्स इन इंडियन प्रिजन आर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। अगर 100 लोग एक जेल के अंदर हैं तो उनमें से 60 से ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी तक अंडर ट्रायल हैं, 60 से ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या हैं, अंडर ट्रायल हैं अभी तक, यानी कि कोर्ट ने उनका नतीजा नहीं सुनाया है, ओके। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ ऑफ दी अबव, और डी नन ऑफ दी अबव। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट इनकरेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, जरूर है, जरूरी है वो, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, पहला स्टेटमेंट, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, तैयारी बच्चे जनरली 2-3 साल से कर रहे हैं, जो उनको पता है कि यार प्रिजंस तो इंडिया में ओवर ऑक्यूपाइड हैं, तो 100% से ओवर है। देखो सिविल सर्विसेज या UPSC के जो एग्ज़ाम है उनमें वो आपसे एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछेगा कि यार 2019 में एग्जैक्ट फिगर कितना था, ठीक है, इट वाज अराउंड 119.5, ओके। तो एग्जैक्ट फिगर आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑक्यूपेंसी रेट नॉर्मलसी से ज़्यादा है, ओके। दूसरा स्टेटमेंट मोर देन 60%, इसमें भी आपसे डायरेक्ट एग्जैक्ट फिगर उसने नहीं पूछा है, मोर देन लिख दिया, तो आपको एक आइडिया तो होना चाहिए ना कि हाँ यार इससे, इतने से ज़्यादा परसेंट जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल हैं जेल के अंदर। तो आंसर देखो इसका होगा सी, दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ, हिंदू के फ्रंट पेज पे 14th मई के ये न्यूज़ थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब एक आइडिया निकाला है कि यार केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कोविड के प्रिजन्स में भी, और प्रिजन रिफॉर्म्स कोर्ट कंटिन्यूसली टाइम एंड अगेन, जो प्रिजन में कंडीशंस हैं, जेल में कंडीशंस हैं इंडिया के, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन बोलता रहा। तो सुप्रीम कोर्ट का अब क्या कहना है कि यार अगर आप देखो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है उसमें से अराउंड 69.05% है, समझ रहे हो, टोटल नंबर ऑफ प्रिजनर्स के 69.5% प्रिजनर्स क्या हैं, अंडर ट्रायल्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि इतनी ज्यादा जब जेल्स इंडिया की भर चुकी हैं, अगर आप देखो 118.5 ऑक्यूपेंसी रेट, अभी पीछे मैंने आपको 119.5 बताया, पर NCRB के डाटा के हिसाब से 118.5% है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
कि यार क्यों ना हम ऐसा करें जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके लिए हम हाउस अरेस्ट की एक पॉलिसी लेकर के आए। आप उन कन्विक्ट्स को जो अभी अंडर ट्रायल्स हैं उनको हाउस अरेस्ट पे रख दीजिए, जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स को या बड़े लीडर्स को हाउस अरेस्ट के ऊपर डालते हैं। कश्मीर में हम अक्सर सुनते थे कि इस पर्टिकुलर लीडर को हाउस अरेस्ट पे डाल दिया, तो कोर्ट कह रहा है कि आप हाउस अरेस्ट पे डालिए, उससे क्या होगा, एक तो जो ओवर क्राउडिंग है प्रिजन्स की वो कम हो जाएगी, और ये जो कोविड के केसेस फैल रहे हैं जेल में वो हम उसको टैकल कर सकते हैं, ओवर क्राउडिंग को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो पोस्ट कन्विक्शन केसेस हैं यानी कि जिनको सजा कोर्ट सुना चुकी है उनके लिए तो लेजिस्लेचर के ऊपर है कि वो हाउस अरेस्ट वगैरह करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन जो अंडर ट्रायल्स हैं उनके लिए डेफिनेटली लेजिस्लेचर को ये एक चीज़ सोचनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आइडिया निकाला है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है कि आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को हाउस अरेस्ट पे करो डेफिनेटली, सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर को कंसिडर करने के लिए एक आइडिया दिया है। ठीक है, आगे चल करके अगर कोर्ट इसके ऊपर कुछ बोलता है तो हम देख लेंगे। तो इस आर्टिकल में अपने लिए दो चीज़ें थी जहां से हमने क्वेश्चन उठाया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट्स दी कि भैया ऑक्यूपेंसी रेट 118.5% से ज़्यादा है और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट 69.05%। ओके, तो इन्हीं के ऊपर हमने डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो फ्रेम कर दिया। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे। अब देखो आपके ऊपर है कि आप प्रिजन रिफॉर्म्स को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ो, ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि थोड़ा सा प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर गूगल करो, थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करने की आप कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्संस फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस 2006। ये सेकंड क्वेश्चन होना था, नंबरिंग गलत हो गई है, चलो नंबर से क्या होता है। Consider the following statements about International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006. ये एक international convention है। तो पहला statement कहता है the treaty has been signed and ratified by over 100 countries. 100 से ज़्यादा देशों ने इस treaty को sign और ratify कर दिया है। दूसरा statement कहता है India ने sign कर दिया है treaty को but अभी तक ratify नहीं किया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा statement incorrect है। Incorrect statement पूछा गया है, यानी कि गलत statement पूछा गया है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। देखो जो सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडिया ने ट्रीटी को साइन कर दिया, बिल्कुल सही। इंडिया ने ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया है, ये भी बिल्कुल सही है, इंडिया ने ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया है। तो सेकेंड स्टेटमेंट अपना क्या है, करेक्ट, लेकिन अपने से पूछा है इनकरेक्ट, तो बी और सी तो अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला स्टेटमेंट कि 100 से ज़्यादा देशों ने साइन और रेटिफाई कर दिया है, ये गलत है क्योंकि इट इज़ अराउंड 64 कंट्रीज हैं जिन्होंने रेटिफाई साइन किया है। तो इसी वजह से पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, लेकिन अपने से गलत ही पूछा गया है तो आंसर ए हो जाएगा, वन ओनली। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ है, ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन में, एक एडिटोरियल आया था 14 मई को ही। टाइटल था द क्राइम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस मस्ट एंड। ओके, द आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय ताई उंग बेग। देखो जब हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, आप हिंदू में पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ो, बिजनेस लाइन में पढ़ो, कहीं पर भी अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना ज़रूरी ये होता है कि उस एडिटोरियल को लिख कौन रहा है। कई बार एडिटोरियल्स ऐसी जो पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, या जो फैशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी एडिटोरियल्स आते हैं, तो वो अपने लिए इतने काम के नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल संबित पात्रा अगर एडिटोरियल लिखेगा तो वो ज़्यादातर आप ये समझ के चलो बीजेपी की आइडियोलॉजी के ऊपर ही लिखेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, उसमें टाइम वेस्ट होता है, हेडलाइन पढ़ के ही पता चल जाता है कि अपने लिए काम का नहीं है। लेकिन जब इस तरह के जो आप अकेडमिशियंस होते हैं काफ़ी हाई, जिनका लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, उनके एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे होते हैं और क्वेश्चन भी अपने लिए निकल के आते हैं। ठीक है, तो इस एडिटोरियल में बात क्या हुई, सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग थीम उठा वो यहाँ से उठा कि फरवरी 1, 2021 में जो म्यांमार की मिलिट्री है उन्होंने वहाँ पर कूप कर दिया था और डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको उन्होंने वहाँ पर हटा दिया था और मिलिट्री राज जो है म्यांमार में इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, और जब से ये कूप हुआ है उसके बाद से एक यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन एनफोर्स्ड और इनवॉलेंट्री डिसअपीयरेंसेस करके होता है। देखो अब कितनी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल से आपको मिलेगी। ठीक है, इस बॉडी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये बॉडी किस तरह से बनी, वो भी अभी इस आर्टिकल में ही बताया गया है कि कब और कैसे ये बॉडी बनी। तो यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन एनफोर्स्ड और इनवॉलेंट्री
एक्सपीरियंसेस ने बताया कि कंटिन्यूसली जब से कू हुआ है तब से लोग डिसअपियर हो रहे हैं, और जो फैमिली मेंबर्स हैं जो लोग डिसअपियर हो रहे हैं उनके कंटिन्यूसली कंप्लेन कर रहे हैं कि कोई वेयर अबाउट ही नहीं है उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके डिसअपियर होने के बाद, सरकार कुछ नहीं बता रही कि वो लोग कहाँ पर गए, ठीक है। और ऑथर ने आर्टिकल में ये भी बताया कि म्यांमार अकेली कंट्री नहीं है जहाँ पर ये एनफोर्स डिसअपियरेंसेज हो रही हैं, जहाँ पर ये मेजर कंसर्न है। एशिया में ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पर ये एक मेजर कंसर्न है, फॉर एग्जाम्पल चाइना। चाइना में वर्किंग ग्रुप कहता है कि हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं फैमिली मेंबर्स की, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं, मैसिव नंबर ऑफ डिसअपियरेंसेज हो रही हैं, स्पेशली फ्रॉम द जिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन। वहाँ पर चाइना ने एक पॉलिसी बनाई हुई है, चाइना ज़बरदस्ती लोगों को गायब कर देता है वहाँ पर, जिनके ऊपर चाइना को शक होता है कि ये जो है टेररिस्ट्स हैं, और उनको लेकर जाकर एक डिटेंशन सेंटर में वो डाल देते हैं, और चाइना क्लेम करता है कि हम डिटेंशन सेंटर में लेकर जाकर उनको एजुकेट कर रहे हैं ताकि हम उनकी जो थिंकिंग है उसको चेंज कर सकें। डिसअपीयरेंस हो रही, लेकिन फैमिली को कोई कुछ बताया नहीं जाता कि उनको कहाँ लेकर जाया जा रहा है, कब उनको वापस लेकर आया जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। और इसी तरह और भी बहुत से देश हैं जहां पर ये एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस स्टेट मशीनरी के थ्रू हो रही हैं, एंड इट इज बीइंग डन इन द नेम ऑफ काउंटर टेररिज्म मेजर्स। एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज आई थी दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर सीरीज आई थी, दो दैट वाज अ सीरीज विच वाज अ काइंड ऑफ अ हॉरर सीरीज, आई रिमेंबर द नेम, इट वाज स्टारिंग राधिका आप्टे घोल। उसमें भी स्टार्टिंग में यही दिखाया कि कैसे स्टेट मशीनरी इन द नेम ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म जो है फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कर रही है, विच इज वायोलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन, उसके ह्यूमन राइट्स, उसके फंडामेंटल राइट्स को वो वायोलेट कर रहा है, ठीक है। अब ये एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का कंसेप्ट दुनिया में कब जाना गया? सो इट वाइडली बिकेम नोन टू द वर्ल्ड इन द 1970s एंड अर्ली 80s ड्यूरिंग द डर्टी वॉर इन अर्जेंटीना। इस समय क्या हो रहा था, अर्जेंटीना की जो फौज थी, अर्जेंटीना की जो मिलिट्री थी, डिक्टेटरशिप चल रही थी अर्जेंटीना में भी, तो जो मिलिट्री थी इट वॉज कैरिंग आउट दिस फोर्स डिसअपियरेंसेज। कुछ 30,000 सिटीजन जो हैं वो डिसअपियर हुए अर्जेंटीना में इस पीरियड के अंदर, और गवर्नमेंट कंटिन्यूसली डिनाई करती रही कि कोई किडनैप नहीं हुआ है, कोई किसी को टॉर्चर नहीं किया गया, किसी का मर्डर नहीं हुआ, ठीक है। और इन्हीं सब एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेज को और ह्यूमन राइट वायोलेशंस को टैकल करने के लिए जो है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने, जो आपका UNHCR है, उन्होंने एक ये वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया 1980s में, ओके, एंड दिस वॉज द फर्स्ट स्पेशल प्रोसीजर मैकेनिज्म ऑफ द UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ऑलराइट, उसके बाद और भी रेमेडियल मेजर्स लिए गए, जैसे फॉर एग्जांपल एक डिक्लेरेशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस 1992 में ये फॉर्म किया गया, ये डिक्लेरेशन साइन किया गया, ओके। अब जो ये आपका वर्किंग ग्रुप है, UN वर्किंग ग्रुप है ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है, ये असिस्ट करता है फैमिलीज को टू जो डिसअपीयर्ड पर्सन की फैमिलीज हैं कि किसी तरह से उनके वेयर अबाउट्स की नॉलेज उनको मिल सके, स्टेट के ऊपर प्रेशर डाला जा सके, स्टेट की पावर को मॉनिटर किया जा सके, और स्टेट कंप्लाई कर सके ग्लोबल ह्यूमन राइट लॉज के साथ। आर यू गेटिंग इट? द वर्किंग ग्रुप हैज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, द ऑथर इज सेइंग, ऑथर हमें बता रहा है कि वर्किंग ग्रुप ने एक चीज और चिंताजनक जो जताई है वो क्या है कि जो COVID-19 का इम्पैक्ट है एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस पे वो कितना ज्यादा है, बिकॉज जो मीडिया है, जो NGOs हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबका ध्यान अभी पेंडेमिक के ऊपर है, विच हैज गिवन स्टेट अनदर पावर कि वो ये एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस को कैरी ऑन कर सके। ऑलराइट, अब इस इन वर्किंग ग्रुप्स के अलावा और डिक्लेरेशन के अलावा 1992 के एक और ट्रीटी लेकर के आई गई, एक और कन्वेंशन लेकर के आया गया जिसको बोला गया इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम एनफोर्स डिसअपियरेंस इन 2006। ये ट्रीटी इफेक्टिव हुई 2010 में, लेकिन अभी भी इसमें जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं वो बहुत लो हैं, अराउंड 63 मेंबर स्टेट्स जो हैं वो इस ट्रीटी में अभी तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर आप एशिया पैसिफिक का रीजन देखो जहाँ पर ये डिसअपियरेंसेज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ पर सिर्फ 8 देश हैं एशिया पैसिफिक के जिन्होंने इसको रेटिफाई किया है, तो काफ़ी ज़्यादा लो मेंबरशिप इस पर्टिकुलर कन्वेंशन की है।
ओके। और अगर आप हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने इसको साइन तो किया पर इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहीं से हमने अपना जो है क्वेश्चन फ्रेम किया था। ऑल राइट, ओके। सो इंडिया हैज साइंड इट बट हैज नॉट येट रेटिफाइड इट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑथर ने कुछ सजेशन इसमें दिए हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं दे शुड साइन दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, दे शुड फॉलो दे ऑल दिस थिंग्स, बट उसको हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली हमारा पर्सपेक्टिव जो है प्री का है, तो आपको समझाना था कि कंसेप्ट कहाँ से निकला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, ईद उल फितर इज द सेलिब्रेशन टू मार्क द एंड ऑफ रमजान और रमजान विच इज कॉल्ड द होली मंथ ऑफ फास्टिंग। ठीक है, रमजान और रमजान जो एंड ऑफ रमजान और रमजान होता है, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज मीठा ईद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ ईद उल फितर? ईद उल फितर न्यूज में था, ठीक है, ईद उल फितर वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड एंड PIB हिंदू, कोई भी न्यूज़पेपर आप फॉलो कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यू कैन रिलेट इट विद करंट अफेयर्स और यू कैन रिलेट इट विद द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर, ओके। सो आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। आंसर विल बी सी, ईद उल फितर को एंड ऑफ रमजान या रमज़ान कहा जाता है एंड दिस इज द होली मंथ ऑफ फास्टिंग, रमजान और रमजान, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मीठा ईद। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कुछ और फैक्ट्स। रमदान, रमजान, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे इन द मंथ ऑफ शवाल। इस तरह के फैक्ट्स कई बार सिविल सर्विसेज में पूछे जा सकते हैं कल्चर के पार्ट में। लिटरली जो ईद उल फितर है इसका मीनिंग क्या होता है, फीस्ट ऑफ द ब्रेकिंग फास्ट, क्योंकि एंड ऑफ द फास्टिंग मंथ होता है ना, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज मीठा ईद क्योंकि एक स्पेशल काइंड ऑफ स्वीट डिश जिसको सेवैया कहा जाता है वो बनाई जाती है एंड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है फैमिली एंड फ्रेंड्स को, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। दो स्कीम पुरानी है लेकिन न्यूज में कभी ना कभी इसका जिक्र आ जाता है। PIB के अंडर ये कवर्ड थी स्कीम, क्यों कवर्ड थी वो भी आपको बताऊंगा। तो अभी तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंडर जो बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं उसके लिए कौन एलिजिबल नहीं है। नंबर 1, इंडस्ट्रियल लैंड होल्डर्स। नंबर 2, फार्मर फैमिलीज विद 1 मेंबर सर्विंग एज अ मिनिस्टर। नंबर 3, पर्सन पेइंग इनकम टैक्स इन प्रीवियस फिस्कल, ओके। तो आपको बताना है इनमें से कौन एलिजिबल नहीं है। 1, 2, and 3, नन ऑफ दी अबव। अगर स्कीम के बारे में पढ़ा हुआ है तभी इसका आंसर कर सकते हो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये तीनों ही जो हैं ये एलिजिबल नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो द आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी, हु आर नॉट एलिजिबल, ओके। सो आंसर बी होना चाहिए। ऑलराइट, तीनों एलिजिबल नहीं है। चलिए, तो न्यूज में क्यों था, क्योंकि PM ने अभी 8th इंस्टॉलमेंट रिलीज किया है अंडर द PM किसान। 14 मई को ये रिलीज हुआ है, ओके, एंड इसी वजह से हमने इसको कवर किया है। तो अब जरा एक बार PM किसान के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम है। इस स्कीम के अंडर क्या कहा गया है कि जो भी फार्मर्स हैं एलिजिबल फार्मर्स, अभी हम देखेंगे कौन एलिजिबल है, तो जो भी एलिजिबल फार्मर्स हैं दे विल बी गिवन 6,000 rupees एनुअली। ठीक है, और ये 6,000 rupees विल बी बेसिकली टू फार्मर्स को हेल्प किया जा सके फार्म इनपुट्स के लिए, या जो भी कॉस्ट है क्रॉपिंग सीजन के समय की जो कॉस्ट होती है उसको वो थोड़ा हेल्प मिल जाए उनको फाइनेंशियल उसके अंदर। ठीक है, और ये 6,000 rupees एक बार में नहीं दिया जाएगा, ये 3 क्रॉपिंग सीजन जो इंडिया में होते हैं हर क्रॉपिंग सीजन के स्टार्टिंग में ये दिया जाएगा 2,000 rupees ईच का। ठीक है, तो 3 इंस्टॉलमेंट में ये 6,000 rupees दिए जाएंगे 2,000 ईच के, और जो पैसा है वो कैश के फॉर्म में नहीं होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में इस पैसे को डाला जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके, कोई करप्शन ना हो एंड टाइमली फार्मर के पास पैसा जो है वो पहुंच जाए, ओके। जो ये स्कीम थी इसको रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव बनाया गया था December 1, 2018 से। ऑल राइट, और बट इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए लैंड रिकॉर्ड्स जो February 1, 2019 के बाद अपडेट होंगे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो February 1, 2019 से पहले के जो लैंड रिकॉर्ड्स थे उन्हीं को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो आपकी एलिजिबिलिटी है दैट इज बेस्ड ऑन द लैंड ओनली, ओके। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए है, ठीक है,
लेकिन उसमें भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी देखेंगे. ओके, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो राज्य सरकारें हैं वो बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करेंगी. एंड द कैश ट्रांसफर इज नॉट लिंक्ड टू द लैंड साइज. लैंड साइज से कैश ट्रांसफर लिंक्ड नहीं है. अगर आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, 2 हेक्टेयर लैंड है, 5 हेक्टेयर लैंड है, तब भी आपको पैसा जो है वो मिलेगा, ठीक है. लेकिन इस एक स्कीम का एक जो क्रिटिक है वो क्या है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू लैंडलेस टेनेंट्स. जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो किराए पे काम कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह की स्कीम में मदद नहीं प्रोवाइड की जा रही है. ऑलराइट, एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑल लैंड होल्डर फार्मर फैमिलीज, सारे लैंड होल्डर फार्मर फैमिलीज जो हैं वो इसमें आ जाएंगे. एक्सेप्ट, अब अपने पास एक्सेप्शन आ जाती हैं कि कौन एलिजिबल नहीं है. इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स एलिजिबल नहीं होंगे. ओके, गिव मी अ मिनट गाइस. ओके, उसके बाद जो फार्मर फैमिलीज जिनमें एक या एक से ज्यादा मेंबर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है भारत की, ठीक है, प्रेजेंट या फॉर्मर मिनिस्टर रहा है, स्टेट मिनिस्टर रहा है, एमपी रहा है, एमएलए रहा है, किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर रहा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का चेयरपर्सन रहा है, उसके अलावा अगर फैमिली में कोई मेंबर सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर है या एम्प्लॉय है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, किसी सरकारी दफ्तर के अंदर, किसी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, या किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, या किसी अटैच्ड ऑफिस या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन जो भारत सरकार के अंडर है, ओके, या किसी लोकल बॉडी का अगर रेगुलर एम्प्लॉय है, तो ये एलिजिबल नहीं होंगे अगर एक या एक से ज़्यादा फैमिली मेंबर. देखो, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट फार्म्स हो गए, जो सरकारी फार्म हो गए, या शुगर, बड़ी शुगर के इन फैक्ट्रीज के अंदर जो फार्म हो गए, या जो कोऑपरेटिव फार्म्स आ गए, या जिन खेतों को कोई ट्रस्ट मैनेज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या आ जाते हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स कहते हैं. ऑलराइट, तो वो एलिजिबल नहीं है स्कीम के अंडर. उसके अलावा जो भी सुपर रिटायर्ड पेंशनर्स या सुपर एनुएटेड पेंशनर्स जिनकी मंथली पेंशन 10,000 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है जी, वो सब भी इसमें आ जाएंगे. ऑल पर्सन हु पेड इनकम टैक्स इन द लास्ट असेसमेंट ईयर, पिछले असेसमेंट ईयर में अगर इनकम टैक्स आपकी फैमिली में से किसी ने पे किया है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो. प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, ठीक है, जो किसी ना किसी प्रोफेशनल बॉडी के साथ रजिस्टर्ड हैं और अपना प्रोफेशन कैरी आउट कर रहे हैं, तो उस केस में उनको भी ये स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ए टू जी है बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है. ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर का. वंस अगेन सोर्स पीआईबी है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वामी SWAMIH इन्वेस्टमेंट फंड 1. पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है विच हैज बीन रजिस्टर्ड विद सेबी. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड वॉज फॉर्म्ड टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन. पर्पज आपको पता होना चाहिए कि पर्पज क्या है, तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए ऑफ स्टॉल्ड, रुके हुए नॉन रेरा रजिस्टर्ड, जो रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नॉन रेरा रजिस्टर्ड हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट थे, मिड इनकम कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट थे, जो स्टक डाउन हुए हैं, जो रुके हुए हैं बिकॉज उनके पास पैसा नहीं था, फंड्स नहीं थे. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, दोनों, या फिर कोई भी नहीं. देखो, पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, कैटेगरी 2 AIF है, ओके, रजिस्टर्ड विद सेबी, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता. दूसरा स्टेटमेंट, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड वॉज फॉर्म टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, जो अफोर्डेबल मिड इनकम कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे, जो रुक गए हैं बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ फंड्स, उनको कंप्लीट करने के लिए ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया. लेकिन ये स्टेटमेंट फिर भी गलत है, सिर्फ एक वर्ड की वजह से. यहाँ पर जो लिखा है नॉन रेरा रजिस्टर्ड, क्योंकि स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड विल बी टारगेटिंग ओनली दोज प्रोजेक्ट्स विच आर रेरा रजिस्टर्ड. रेरा को भी हमने कवर किया था डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी वीडियो में हमने कवर किया, लेकिन हमने रेरा को भी बहुत अच्छे से कवर किया है, उसके सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, तो पिछली वीडियोस देखनी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं.
अगर आप ये सारी वीडियोस देखोगे ना, आपके करंट तो चलो कवर होंगे ही, और साथ ही साथ आपके और नए कंसेप्ट भी बिल्डअप होते जाएंगे जो जनरली इग्नोर हो जाते हैं. ओके, आंसर है विल बी ऑप्शन बी. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए है. ओके, सो न्यूज़ में क्यों था सबसे पहले, क्योंकि भारत सरकार की जो ये स्वामी प्रोजेक्ट है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, पता होनी चाहिए ये भी. तो इस प्रोजेक्ट के अंदर पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है. पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है मुंबई में जिसको स्टार्ट किया गया था, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट हो गया है. ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवाली पार्क लोकेटेड इन सबर्बन मुंबई. ठीक है, ये अपने से कोई नहीं पूछने वाला, ये PIB में लिखा था, तो आपके लिए बस एक थोड़ी सी ताकि क्लैरिटी बन जाए, इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट डाल दिया. ओके, ऑल राइट, नाउ स्वामी के बारे में देख लेते हैं. कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, SEBI के साथ रजिस्टर्ड है. अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, अब ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपने अब थोड़ा सा रिसर्च करना है कि व्हाट इज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. देखो, हर क्वेश्चन में इतने सारे कंसेप्ट छुपे हुए होते हैं कि अगर हम हर क्वेश्चन के कंसेप्ट में सारे आपको एक ही लेक्चर में कराने की कोशिश करूं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी. फिर हम एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे पूरी एक वीडियो में. ठीक है, अभी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जैसे मैंने कवर नहीं किया, तो आप अपने एंड पे थोड़ा सा रिसर्च करो. देखो, कभी भी चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कोई भी टीचर है, डोंट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर टीचर. नेवर ऑन टूडेज टाइम, इन टूडेज टाइम नेवर गेट डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर टीचर. खुद से रिसर्च, और इस ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी टीचर पे डिपेंडेंट ना रहने का मतलब ये नहीं है कि 10 टीचर ढूंढ के रखो, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा इससे, चाहे 10 टीचर से भी पढ़ लो, लेकिन खुद से जब तक थोड़ी सी सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ डिपेंडेंस नहीं लेकर के आओगे, जब तक आत्मनिर्भर जब तक नहीं बनोगे तब तक ये UPSC के एग्जाम्स जो हैं या स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स जो हैं क्रैक करने मुश्किल हो जाते हैं. ठीक है, तो थोड़ी सी सेल्फ डिपेंडेंसी आप खुद पर लेकर के आए, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में जाने, नहीं तो मैं तो कवर कर ही लूंगा, किसी ना किसी और लेक्चर में अपने आप कवर हो जाएगा. ठीक है, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड कंप्लीट करने के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को जो रेरा रजिस्टर्ड हैं, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं, मिड इनकम कैटेगरी के लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो रुके हुए थे बिकॉज ऑफ फंड पॉसिटी. ओके, इस फंड का इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन होगा, SBI कैप वेंचर्स होगा, जो एक होली ओन सब्सिडरी है SBI कैपिटल मार्केट्स का. ओके, एंड द स्पॉन्सर ऑफ द फंड, देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट फंड होता है तो उसका स्पॉन्सर होता है, तो क्या इस फंड का स्पॉन्सर प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर. सो इस फंड, द फंड हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो यू कैन से दैट द फंड इज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस में वो कई बार पूछ लेते हैं. ऑलराइट, चलिए. सो ओके गाइस, यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन, पार्ट 1 जो है कवर हो गया है. अभी और 2-3-4 पार्ट्स इसके आएंगे 19th में तक के, वो देखेंगे एक एक करके. ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियोज़ इसीलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आप बोर ना हो जाओ. और मानना मेरा ये भी है कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 10 घंटे दिन में वीडियोज़ देखने में ही निकल गए. ऑलराइट, चलिए. फ्री सैंपल टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, और सेल चल रहा है जिसके लिए आप कूपन कोड यूज़ करेंगे SALE50 फॉर ऑल द EPFO कोर्सेज जो भी वेबसाइट के ऊपर हैं. ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उनका, आप अप्रोच कर सकते हैं. चलिए, तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.